हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस चैनल में। सीएससी के माध्यम से आयुष्मान का एक न्यू पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आप किसी भी व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड बना सकते हो और बनना भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि आयुष्मान पोर्टल को न्यू तरह से लाइव किया गया है, जहाँ पर से आप लोग एड न्यू मेंबर के ऑप्शन में क्लिक करके आप किसी भी व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, चाहे उनका नाम आयुष्मान कार्ड में हो या फिर नहीं हो। तो इसी को लेकर आप सभी को बता दें कि सीएससी के माध्यम से आयुष्मान कार्ड का न्यू पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जहां पर से किसी भी व्यक्ति को आप उनके मेंबर ऐड करके आप उनके आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। इनफीबी से आयुष्मान कार्ड आप ऑर्डर कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हो तो आप इसके लिए किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इससे पहले आप सभी को पता होगा कि आयुष्मान पोर्टल में एक जो कि पुराना पोर्टल है, जहां पर से इस पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड नहीं डाउनलोड होना या कुछ इस प्रकार से आप लोगों को कुछ कंडीशनल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और यहां पर आप उन्हीं लोगों का आप राशन कार्ड यानी कि आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं जिनका जो राशन कार्ड में नेम हो। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें कि न्यू पोर्टल के माध्यम से आप यहाँ पर से किसी भी व्यक्ति को आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उस पोर्टल का नाम है setu.png.gov.in। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग यहां पर से आएंगे एंड ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, तो यहां पर से ऑपरेटर सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को दो ऑप्शन मिलता है, पहला सीएससी कनेक्ट एंड यहाँ पर से आप मोबाइल नंबर इंटर करके लॉगिन हो सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को याद है सेल्फ यूज़र यानी कि कोई भी व्यक्ति यहां पर से रजिस्ट्रेशन करके वो आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं जो कि। लेकिन अगर आप एक सीएससी वीएलई हो और यहां पर से ऑपरेटर आईडी बनाना चाहते हैं, लाइक जैसे कि अगर आप सीएससी में लॉगिन होते हैं एंड उसके बाद जो भी आयुष्मान का पोर्टल होता है, जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं एंड यहाँ पर से कंफर्म करने के बाद इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पर से अगर आते और सीएससी कनेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से आप लोग लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को किस प्रकार से यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, चलिए वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट दिखाते हैं। तो यहाँ पर से सीएससी कनेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बेसिकली आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, इस फॉर्म को सबमिट करना है, जहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं व्हाइट लिस्टेड ऑफ सीएससी अंडर PMGAVIS पोर्टल। यानी कि यहाँ पर आप सभी को बता दें कि सीएससी के माध्यम से इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपका जो भी सीएससी आईडी होगा उसे वाइट लिस्टेड कर दिया जाएगा। एंड आप सभी को बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप यहां पर से टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं डिजिटल गाइड, उसके बाद आप लोग यहाँ पर से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते कि इस फॉर्म को किस प्रकार से सबमिट करना है। तो यहाँ पर से सबसे पहले बेसिक सा इन्फॉर्मेशन को फिल करना होता है। आप सभी को बता दें कि अगर आप अपने सीएससी ग्रुप में होंगे तो इस फॉर्म को आप लोग ज़रूर रिसीव्ड हुआ होगा। अगर आप लोग के पास इस फॉर्म को नहीं है तो आप लोग किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, वीडियो के लास्ट में आप लोग को बता देंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपना सीएससी आईडी वीएलई नेम और साथ में जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है एंड यहाँ पर से मोबाइल नंबर आप जैसे इंटर करेंगे और यहाँ पर से आप लोग को ईमेल आईडी इंटर करेंगे एंड देन आपका जो भी जेंडर है जेंडर सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे एंटर करेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है उसे आप यहां पर से फिल करेंगे। देन उसके बाद आप यहां पर से अपना स्टेट को फिल करेंगे यानी कि चूज़ करेंगे, देन अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद आप यहां पर से जो भी आपका ब्लॉक का नेम है उसे आप यहां पर से एंटर करेंगे एंड उसके बाद आप यहां पर से जो भी पंचायत है उसे आप एंटर करेंगे। यहाँ पर से पंचायत एंटर करने के बाद आ जाता है एजेंसी, जहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं सीएससी ई गवर्नमेंट्स इंडिया लिमिटेड। देन सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद इस फॉर्म को आप जैसे ही सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जो भी आपके सीएससी के डीएम होते हैं उनके पास इस डाटा को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपका जो भी रिकॉर्ड होता है वो आपको सीएससी के डीएम के पास चले जाता है और जैसे ही इसे वाइट लिस्टेड किया जाएगा आपके सीएससी के आईडी, देन आप यहाँ पर से ऑपरेटर सेलेक्ट करके आप सीएससी कनेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देन आप यहां पर से सक्सेसफुली लॉगिन हो पाएंगे। तो यहां पर से लॉगिन होने के बाद आप इसका जो भी जितने भी सर्विसेज होती है सारी सर्विसेज को आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आप यहां पर से अगर साइनिंग के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली वाइट लिस्टेड आईडी, इसीलिए आप लोग को यहां पर से देखने को मिला है। जहाँ पर से आप अर्बन रूरल सेलेक्ट करके आप यहाँ पर से बना सकते हैं। देन आप लोग यहाँ पर से लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं सर्विसेज के ऑप्शन में
जहाँ पर से राशन कार्ड आप नंबर से आप यहाँ पर से फाइंड करेंगे, देन एड न्यू मेम्बर के ऑप्शन में क्लिक करके जिस भी फैमिली मेम्बर का यानी कि उनके राशन कार्ड में नेम नहीं है तो आप यहाँ पर से एड न्यू मेम्बर के ऑप्शन में क्लिक करके बना सकते हैं। एंड साथ में आप यहाँ पर से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से और सारी बहुत सारी सर्विसेज को मिल जाता है जो कि एक CACVLE आप यहाँ पर से लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर से न्यू आईडी को अगर आप लेना चाहते तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं, आप लोग को इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए होगा। बेसिकली इस फॉर्म का लिंक आप लोग को कहाँ मिलेगा और किस प्रकार से इस फॉर्म को आप यहाँ पर से डाउनलोड कर पाएंगे, तो इसके लिए आप सभी को बता दें कि अगर आप अपने CAC के ग्रुप में होंगे तो इस फॉर्म को ज़रूर आप लोग को मिला होगा, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने CAC से के DM से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपने देखा कि किस प्रकार से CAC के माध्यम से न्यू पोर्टल का आप यूज़र ID और पासवर्ड ले सकते हैं और यहाँ पर से लोगों को आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।